भगवान ने तो भागवत के बाद श्राप देने का झंझट ही खत्म कर दिया, क्योंकि श्राप दे दिया परीक्षित जैसे राजा को श्राप देकर के 7 दिन में मरवा दिया किसने, ऋषि के बेटे ने कौशिकी नदी के तट पर समिक मुनि का बेटा इतना क्रोधित हो गया, अरे मेरे बाप के गले में सांप लपेट दिया, जा यही सांप तक्षक तुझे 7वें दिन काटेगा, इसलिए तो भागवत सुन रहे हो, नहीं तो भागवत कहां से सुनते। तो पिताजी बड़े नाराज हुए, अरे बिना जाने किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, तो मेरा बेटा भी है, अब मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद कली काल में किसी का श्राप काम नहीं करेगा, अब काम करेगा तो केवल आशीर्वाद काम करेगा, इसलिए डरा मत करो, किसी का श्राप श्राप नहीं लगेगा। डरते हो, डरपोक लोग, हाँ हमको श्राप दे देंगे। श्राप क्या देंगे, जय की श्राप आ जाएगा, श्राप दे देंगे, कुछ नहीं होगा, सारा पावर सीज कर लिया भगवान ने। बताओ श्राप देने का पावर रहता तो 5-5 साल के बच्चे छोरे लोग उठ करके पीछे निकलते, बोला 1 लाख दे, नहीं श्राप दे देंगे, महाराज एक्सटॉर्शन हो जाता फिर तो, जल्दी दो, 1 लाख दो, नहीं तो श्राप दिया, जल लाओ जल लाओ, तो जल लाओ, जल लाओ, जल्दी 1 लाख निकाल, श्राप पिस्तौल हो बन जाएगा। तो पढ़े लिखे हो, भगवान को प्रेम करने वाले हो मेरे माई बाप, और ऐसे दुर्बुद्धियों की तरह डरते हो। कल भी तुम्हें सिखाया था नींबू मिर्ची इत्यादि से नहीं डरना है, नींबू मिर्ची रख जाए तो बस सामने एक दिन वहां पे पर्ची डाल देना हो कि भाई साहब हल्दी इत्यादि नहीं था, कल वो भी ले आना जो रख के गया हो। अरे घर के बाहर नींबू डाल दे मिर्ची डाल दे तो तुम एक पर्ची डाल देना कि 2 किलो आलू और बैगन भी ले आइए, चोखा बहुत दिन से नहीं खाए, ले आओ महाराज खाई लेते, काहे को डर रहे बताओ। ठाकुर जी के अंश हैं, किशोरी जी हमारी ठकुरानी हैं, राधा रानी हैं, बताओ वृंदावन में कोई तंत्र षड्यंत्र नहीं चलता, वृंदावन के 84 कोस में किसी का तंत्र नहीं चलता। अरे वहां लक्ष्मी जी को भगवान ने नहीं आने दिया, भगवान ने कहा यमुना जी के उस पार रहो, क्यों, बोला ये वृंदावन केवल प्रेम का राज्य है, यहाँ राधा रानी रहेंगी और प्रेमी लोग रहेंगे, यहाँ ये सब षड्यंत्रकारी लोग नहीं रहते महाराज, ब्रज की ऐसी महिमा है। यमुना जी के उस पार कर दिया, लक्ष्मी जी कहती हम आए क्या, बोले नहीं जरूरत नहीं, सारा दुनिया में तो तुम गदर मचाई हुई हो लक्ष्मी जी, कम से कम वृंदावन तो छोड़ो। वृंदावन राधा रानी का है, प्रेमिनी का, किशोरी का, भावना प्रधान जगह है, वो रसिक और भावुक लोगों का राजधानी है वृंदावन, वहां ऐश्वर्य का नाच नहीं चलता है, इसलिए बेलबन है वहां पर, पता करना वहां लक्ष्मी जी रुकी हुई हैं, बेलबन यमुना जी को उस पार मंदिर बना हुआ है। 5,500 साल पहले लक्ष्मी जी आना चाहते थे वृंदावन में, ठाकुर ने रोक दिया, रेड सिग्नल लगा दिया, नो एडमिशन, अभी तक नहीं आ पाई। अब बताओ हम शनि देव को क्या कहें जब लक्ष्मी जी नहीं आ पा रही वहां, बताओ लक्ष्मी नहीं आ पा रही है और शनि इत्यादि घूम रहे हैं कि हम आ जाएंगे, इसलिए वृंदावन में तो केवल ठाकुरानी रह सकती हैं, और राधा नाम का आश्रय जिन लोगों ने लिया है वो प्रेमी रह सकते हैं, दूसरा किसी का अधिकार नहीं है, राधा नाम आश्रय लेने वाले लोग ही वृंदावन में।